बेटा अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सोर्स चार्ज एट एनी पॉइंट इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइन एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। अगर मैं इस डेफिनेशन को सिंपल शब्द में बोलूं बेटा, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसको? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आइए बेटा हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा हमने पॉइंट चार्ज लिया प्लस क्यू, ठीक है। यहां से आर सेपरेशन पे हमने पॉइंट कंसीडर कर लिया बेटा पी। पॉइंट चार्ज लिया हमने क्यू, यहां से आर सेपरेशन पे हमने पॉइंट कंसीडर किया बेटा पी। यहां पे हमने टेस्ट चार्ज रख दिया क्यू नोट। अब ये टेस्ट चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। टेस्ट चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा बेटा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस डायरेक्शन के अंदर। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा हम कैलकुलेट करते हैं एक बार। देखो बेटा फोर्स की वैल्यू आपकी के क्यू क्यू नोट बाय आर स्क्वायर, ये आ गया फोर्स आपका। अब हमने क्यू नोट को यहां से फिनिश करना बेटा, तो हमने क्या किया, क्यू नोट को हम फोर्स के बाय में लिया, यानी कि फोर्स बाय क्यू नोट। यहां पे आपकी क्या टर्म बच गई, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये टर्म किसके बराबर होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई के क्यू बाय आर स्क्वायर बेटा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी और इसकी डायरेक्शन भी है। अगर हम बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की बेटा, तो यहां से देखो फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन, और चार्ज की क्या है, कूलाम। तो यहां से एसआई यूनिट क्या निकलेगी बेटा, न्यूटन पर कूलाम। और ये है बेटा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ये क्या होगा बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला। बेटा अब हम एक एक्सप्रेशन करते हैं, यहां पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एक डिफरेंट वे से समझ सकते हैं। देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्या एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। देखो हमने पॉइंट चार्ज लिया बेटा प्लस क्या, यहां से आर सेपरेशन पर हमने पॉइंट कंसिडर किया पी, जहां पे हमने टेस्ट चार्ज रख दिया क्या नोट। इसका मेथड देखो बेटा, टेस्ट चार्ज क्या नोट प्लेस्ड एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पे हमने रखना है टेस्ट चार्ज। उसके बाद क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है बेटा। उसके लिए हम क्या करेंगे, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज बाय में टेस्ट चार्ज। पहले हम कैलकुलेट करेंगे पी पॉइंट के ऊपर जो टेस्ट चार्ज है उस पर फोर्स, उसके बाद उस फोर्स को हम डिवाइड करेंगे क्यू नोट से। देखो यहां पे फोर्स आ गया बेटा आपका के क्यू क्यू नोट बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय क्यू नोट। क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। आप इस तरीके से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। देखो बेटा अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन की। यहां पे देखो जो फोर्स की डायरेक्शन है बेटा, वही डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। देखो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहां पे देखो जो फोर्स की डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। किस केस में, पॉजिटिव चार्ज के केस में। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हैज सेम डायरेक्शन एज फोर्स, जो फोर्स की डायरेक्शन है बेटा वही किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। एसआई यूनिट हम पीछे इसकी पढ़ चुके हैं, न्यूटन पर कूलाम। आगे देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट इट्स ओन लोकेशन अनडिफाइंड, जो चार्ज के स्वयं की लोकेशन है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन नहीं कर सकते। जो चार्ज की खुद की लोकेशन है वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन नहीं कर सकते। अब बेटा हम इसको पढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म के अंदर, इसको हम कैसे करेंगे। देखो हमने कैलकुलेट की थी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी आई थी के क्यू बाय आर स्क्वायर। यहां पे देखो जो सेपरेशन आर है इसका यूनिट वेक्टर क्या बेटा, आर कैप। जो सेपरेशन आर है बेटा इसका यूनिट वेक्टर क्या है, यहां पे आर कैप। हमें पता है आर कैप की वैल्यू क्या होगी, आर वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड। आर कैप की वैल्यू क्या होगी बेटा, आर वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड। अब हम ये वैल्यू आर कैप की जगह पे पुट करेंगे, तो यहां पे रख दिया आर वेक्टर बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो आपका आंसर होगा बेटा यहाँ पे के क्यू बाय आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। अगर अब भी हम देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है
वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सेपरेशन के स्केयर के। अगर बेटा हम यहाँ पे बात करें साइन की, तो पुट चार्ज विद साइन ओनली इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड इन वेक्टर फॉर्म। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट कर रहे हैं तब हम इसको साइन के साथ पुट कर सकते हैं। अगर मान के चलो यहाँ पे आपका माइनस क्या चार्ज होता तो हम यहाँ पे इसको साइन के साथ पुट करते हैं माइनस क्या। किस केस में? जब हम इसको वेक्टर के केस में कैलकुलेट करें उसी दौरान हमने बेटा हम साइन के साथ चार्जेस को पुट कर सकते हैं। अब बेटा हम पढ़ते हैं ग्राफ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी वर्सेस सेपरेशन का। देखो बेटा ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका सेपरेशन। जैसे जैसे सेपरेशन बेटा आपकी इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होती जा रही है। देखो जैसे जैसे आपकी सेपरेशन इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। अगर हम आपसे पूछें या कोई आपसे पूछेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो कब होगी? जब आपकी सेपरेशन क्या होगी? इन्फिनिटी। जब आपकी सेपरेशन इन्फिनिटी होगी तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी बेटा? जीरो होगी। बेटा अब हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी डेफिनेशन देखो, एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच हैज सेम स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट इन ए रीजन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। रीजन के अंदर बेटा हर एक पॉइंट के ऊपर स्ट्रेंथ और डायरेक्शन अगर सेम है तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। रीजन के अंदर बेटा हर एक पॉइंट पे अगर डायरेक्शन और स्ट्रेंथ सेम है तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर रीजन के अंदर डायरेक्शन और स्ट्रेंथ सेम नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे डेफिनेशन देखो नॉन यूनिफॉर्म की, द इलेक्ट्रिक फील्ड विच हैज डिफरेंट स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन एट डिफरेंट पॉइंट इन ए रीजन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। रीजन के अंदर डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डायरेक्शन है डिफरेंट स्ट्रेंथ है उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।